नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर दिया बयान। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है, ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी। कांग्रेस के निष्कासित विधायक राजदीप गोवाला और अजंता नियो गुवाहाटी में राज्य सरकार के मंत्री हेमंत बिश्वास शर्मा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। नियोगा ने कहा कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है और पार्टी दिशाहीन हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी का छापा। यौन शोषण केस में जेल में बंद है पूर्व कैबिनेट मंत्री। ईडी के छापे मारने के बाद लोगों से की पूछताछ। पूर्व दिल्ली नगर निगम में पार्षदों के बीच तूतूमैमैं, जिसके बाद पार्षदों ने एक दूसरे पर जूते चप्पल उछाले। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य में 7 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया। दिल्ली में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने कत्ल के एक मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर बेचने वाले गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने इनके पास से 11 लाख रुपए नकदी और 2 सोने के सिक्के बरामद किए। मुंबई में नए साल के मौके पर रेव पार्टी करने की तैयारी कर रहे इवेंट ऑर्गेनाइजर को नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने इस शख्स के पास से एक बड़ी मात्रा में हैश और गांजा बरामद किया। बांदा में बच्चों से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर की पत्नी को भी सीबीआई अफसर ने किया गिरफ्तार। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चित्रकूट में बदमाशों ने पुरानी रंजिश में कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। आगरा में फेसबुक पर बाइक का विज्ञापन देकर साइबर अपराधियों ने बी फार्मा के छात्र को जाल में फंसाया। 1,13,000 रुपए का लगाया चूना। फिलहाल साइबर सेल मामले में जुटी। पश्चिम बंगाल में बाइक सवार बदमाशों ने तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इलाके में तोड़फोड़ की और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में 19 साल के एक लड़के ने अपनी दादी की हत्या कर दी। दरअसल दादी ने नए साल की पार्टी के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया। कोलकाता में जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे 20 वर्षीय युवती की एक दोस्त ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गए। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में रोहिणी इलाके में एक शख्स हत्या करने के बाद लाश को स्कूटर पर लेकर घूमता रहा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। मथुरा के थाना गोविंदनगर इलाके में असामाजिक तत्वों ने आरएसएस के कार्यालय पर जमकर पथराव किया। बताया जा रहा है कि इस पथराव में आरएसएस कार्यालय के 2 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। नया स्ट्रेन अब भारत में फैलता जा रहा है। देश में अब तक 2 दर्जन के करीब ऐसे मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए अब भारत ने यूके से आने जाने वाली फ्लाइटों पर 7 जनवरी तक लगाई है रोक। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल की एक बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इलाका सील कर दिया गया है। कोरियोग्राफर रेमो डिसूज़ा को कुछ दिन पहले मेजर हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद अस्पताल में सलमान ने रेमो की बहुत मदद की थी, जिसके बाद रेमो ने सलमान का शुक्रिया अदा किया। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जल्दी ही सिंगर रैपर बादशाह के साथ नजर आने वाली हैं। अक्षरा ने यह जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। बिग बॉस में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। अब अर्शी खान और राहुल वैद्य के बीच बहसबाजी हो गई। इस दौरान अर्शी ने राहुल पर बॉडी शेमिंग का आरोप लगाया। न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को 101 रनों से हराकर इस सत्र में घरेलू टेस्ट मैचों में जीत की हैट्रिक लगाई। भारतीय कप्तान अजिंक्या रहाणे और कोच रवि शास्त्री ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी 2 मैचों में भी वे 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल ही जारी रखेंगे। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।